हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एबीएस समीर। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक है B313। ये हमारे पास आया है शॉर्ट कंडीशन में। तो दोस्तों, पहले मैं इसका आपको एक बार मॉडल दिखा देता हूँ। ये है सैमसंग का हमारा B313, आप देख सकते हैं। अब इसको मैं एक बार चालू करके आपको दिखा देता हूँ। ये फ़ोन हमारा चालू हो रहा है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा फ़ोन ऑन कंडीशन में है, मगर इसमें प्रॉब्लम क्या है, बैटरी इसका एक ही दिन में डाउन हो जा रहा है। तो पहले हम इसका शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इधर से ग्राउंड और हमारा जो प्लस पॉइंट है उस पर 200 रीडिंग आ रहा है। उसके बाद अब इसको इस तरह से चेक करते हैं तो हमारा इधर से भी 210 रीडिंग आ रहा है, यानी कि हमारा दोनों तरफ से रीडिंग दिखा रहा है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हमें क्या करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। जुड़ रहे हैं दोस्तों चैनल के साथ, ताकि आपको इसी तरह की मोबाइल से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहले जो हमारा ये नेटवर्क का सेक्शन है, ये हमारा नेटवर्क का सेक्शन है, इसके बराबर में जो ये कैपेसिटर लगा है इसको हमें रिमूव कर देना है। जो हमारा एक तरफ प्लस पॉइंट से होता है और दूसरा ग्राउंड से होता है, उसके बाद हम फिर से इसका शॉर्टिंग चेक करते हैं कि वो शॉर्टिंग हमारा निकला या नहीं। देखिए दोस्तों, शॉर्टिंग अब ये भी हमारा है, फ़ोन के अंदर है। अब एक हमारा ये वाला जो कैपेसिटर है इसको हमें रिमूव करना है, ये हमने रिमूव कर दिया है। उसके बाद हम फिर से अपने फ़ोन का शॉर्टिंग चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी इधर से 300 और इधर से 850। तो दोस्तों, अभी हमें क्या करना है, अभी एक कैपेसिटर है कोई जिसको हमें रिमूव करना है। एक ये वाला कैपेसिटर हमें रिमूव करना है। अभी हमें और देख लेना है कि और कौन कौन सा कैपेसिटर है जो हमारा फिल्टर की तरह काम करता है। जो भी हमारा दोस्तों फिल्टर का काम करते हैं उसको हम रिमूव कर सकते हैं।
तो दोस्तों हमें एक बार ये जो जीनर लगा है इसको भी हम रिमूव करके देख लेते हैं। तो दोस्तों शूटिंग हमारा अभी भी नहीं निकला है। ये देखिए शूटिंग हमारा पूरा प्रॉपर निकल चुका है। तो दोस्तों एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इसमें कौन कौन सा कैपेसिटर हटाया है। एक दोस्तों यहाँ से निकाला है, ठीक है, और एक यहाँ से, ये दो यहाँ से, एक यहाँ, और तीन यहाँ से, और एक दो यहाँ से। अब हम एक बार इसको ऑन करके देख लेते हैं कि हमारा फोन ऑन हो रहा है या नहीं। ये देखिए दोस्तों फोन हमारा पूरी तरीके से ऑन हो चुका है। और हमारे फोन का शॉटिंग भी निकल चुका है। ये देखिए दोस्तों हमारा जो है रीडिंग दिखा के चला जा रहा है। ये देखिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने किसी भी फ़ोन का ये हाफ शॉटिंग वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और अधिक जानकारी के लिए हमें कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।